सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है अपने डार्क मून SMP की फर्स्ट वीडियो, और शुरू करते हैं अपने फेवरेट इंट्रो के साथ। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या थी हमारी बैक स्टोरी इस SMP के पीछे, तो यार मैंने सोचा था कि चलो यार कुछ बेस बनाते हैं। तो मैंने कुछ अपना बेस भी बनाया और कुछ आयरन भी मैंने इकट्ठा कर लिया और कुछ सामान भी इकट्ठा कर लिया। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आयरन की एक्स और पिकेक्स भी बना ली है और एक बकेट भी, वाटर बकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बनानी पड़ेगी। और कुछ आयरन मेरे पास और अभी भी है, बचे हैं, जिनका यूज़ भी मैं आगे करने वाला हूँ। तो यार मैंने एक बेस भी बनाया है जो कि ज़्यादा सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन है यार छोटा सा ऐसा बेस, और एक माइन भी मैंने बनाई है। तो चलो मैं पहले आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। तो चलो पहले मैं नीचे चलता हूँ यार। चलो यार मैं क्या, ये यार एक्स से तोड़ रहा हूँ मैं, रुको हाथ से तोड़ने दो यार। एक्स की यार हेल्थ जाने लगती है, लेकिन डट तो उतने ही टाइम में टूटती है, तो इसीलिए। अब आप देखो इस दो क्या दिख रहा है, दोनों पेड़ के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस डट तो तोड़ेंगे तो देखो यार ये है हमारे बेस की एंट्री। कुछ ज़्यादा ऐसी सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन यार अभी के लिए चलता है। तो यार देखो ये है मेरा छोटा सा बेस, यह है मेरा बेड और जहाँ मैं सोता हूँ रात को, और ये है चेस्ट जिसके अंदर थोड़ा सा सामान है, और मैंने बहुत सारा वुड भी इकट्ठा किया था जो कि है इसके अंदर, और कुछ मैंने माइनिंग से एक सामान इकट्ठा किया था वो भी है मेरे पास। और हाँ ये है मेरे फर्नेस जिसके अंदर कोल है शायद, हाँ कोल है दोनों में कोल है यार, हाँ कोल मैंने रखा था इनके अंदर। और ये है क्राफ्टिंग टेबल, और ये मैंने बनाई है माइन मेरे नीचे माइनिंग करने के लिए, जो कि मैंने नीचे जाने के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खुदाई कर रखी है। तो मैं चलता हूँ। और ये टॉर्च का यार पता नहीं क्यों ये टॉर्च ऐसे दिखने लगी है, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसा होता है। मैं जब से जावा एडिशन ये खेल रहा हूँ तब से ऐसे ही है, मैंने कुछ सर्च भी किया था यूट्यूब पर, लेकिन ऐसे ही है। तो यार देखो ये केव है, और ये स्केलेटन आ गया साला मारने के लिए, मेरे पास आर्मर भी नहीं है और ये शायद मार ही डालेगा। और ये है मेरी केव जो कि मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये केव मुझे मिली थी। और देखो यार ये केव मुझे मिली है, इसके अंदर मैंने माइन करके आयरन इकट्ठा किया था थोड़ा सा, और यहाँ से मैं नीचे जा रहा था, मैंने रास्ता बनाया था छोटा सा। और हाँ ये है वो केव, और ये स्केलेटन साला मुझे मार ही डालेगा शायद। मुझे पहले तो ये रास्ता बंद करने है तो फटाफट से डॉट से। और देख इसके पीछे आपने देखा होगा ये लैपिस, हाँ ये मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है यहाँ पर लैपिस है, मैंने देखा है ये लैपिस को, लेकिन मेरे पास उस वक्त आयरन की पिकेक्स नहीं थी, स्टोन की पिकेक्स लेके माइनिंग करने के लिए आया था, इसलिए मैंने उस वक्त इसको लिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको बाहर रखा। और ये स्केलेटन को मैं मार रहा हूँ यार, मर ही नहीं रहा, जल्दी मर जाए तो इस निकल जा, जल्दी मर जा, अबे मर जा, कितनी देर रहेगा, अबे मार के ही मानेगा लगता है यार, मर जा, हाँ मर गया चलो। और गाइस मैंने जैसा कि आपको कहा था, मैंने यहाँ पर टॉर्च भी लगाई हुई है ऑलरेडी, मैं गया था माइनिंग के लिए। और आयरन, इस आयरन को मैंने देखा क्यों नहीं यार पहले, हाँ इसको मैंने नहीं देखा था यार, इसको मैंने अभी ही देखा। चलो फटाफट से ले लेते हैं पहले इसको यार, अभी के लिए तो जितना आयरन मिले उतना यार ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यार चाहिए हमको, आयरन भी चाहिए और डायमंड तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन ये आयरन भी चाहिए। और मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, क्यों पता है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भी यहाँ पर मरता हूँ तो मेरा सामान यार ड्रॉप नहीं होता, शायद चला ही जाता है, सो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं जब भी वापस आता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, पता नहीं है मेरे साथ ये होता है कि और भी मेंबर्स के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो यार मैं जितने भी मार मरता हूँ तो मेरा सामान पड़ता है वहाँ पर और वापस मुझे मिलता ही नहीं है, ऐसा क्यों है पता नहीं यार। चलो छोड़ो यार, चलो ऊपर चलते हैं वापस। और मैंने मुझे आपको जो भी दिखाना था मैंने दिखा दिया, मुझे जो भी यहाँ पर मिला था वो दिखा दिया आपको, और चलो फटाफट से ऊपर चलता हूँ। ये केव मुझे मिली थी, इसके अंदर मैं और भी माइनिंग करने वाला हूँ। तो मैंने आपको सोचा कि चलो यार मैंने जो भी अभी तक किया है प्रोग्रेस वो आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया।
और ये साला ये कॉपर है लेकिन आयरन के जैसा दिखता है। मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था और मैं कॉपर को आयरन समझ के फटाफट से माइन करने लगा और मैंने बहुत सारा कॉपर, आपने शायद देखा होगा चेस्ट में कि मैंने कॉपर बहुत सारा रखा था, तो मुझे पहले लगा कि ये तो आयरन है, आयरन समझ के मैंने उसको फटाफट से माइन कर लिया था। लेकिन जब मैंने उसको फर्नेंस के अंदर डालने लगा तब मैंने नेम उसका पढ़ा और फिर मुझे पता चला कि वो तो यार कॉपर था। सो या गाइस, हमारा ये था छोटा सा सीक्रेट हाउस और हाँ, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यार और देखते हैं एनके भाई को। मैं हाँ, आपको मैंने बताया नहीं पहले लेकिन अब मैं बता देता हूँ, मैं एनके भाई को पहले एक बार बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं, मुझे मारा था इसलिए अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं उनको छोड़ दूँगा। मतलब यार और नहीं होगी और कुछ भी यार, समझ रहे हो ना, तो मैं उनसे सोचूंगा अगर वो मुझे मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो। लेकिन अगर वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगते तो फिर यार वॉर होने वाली है, पक्का वॉर होने वाली है और बहुत बड़ी वॉर होने वाली है यहाँ पर। और हाँ, मेरे पास अभी तो कुछ सामान नहीं है लेकिन यार ग्राइंड करूंगा मैं और भी। अगर और ये वीडियो मैं शायद बहुत लेट पोस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा हूँ उस सर्वर पर और मैं फटाफट से डायमंड का आर्मर भी बनाऊँगा। और हाँ, मेरी ओकी भाई से भी बात हुई थी और वो भी मुझे कह रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ मिलके वॉर करने में मेरी मदद करोगे अगर, तो हम दोनों मिलके वॉर करेंगे। और हाँ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, उनके पास एन्चेंटमेंट सेटअप भी है और उनके पास डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने आर्मर भी अपना बना लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट के साथ उनके टूल्स भी रेडी है और वो वॉर के लिए एकदम तैयार है। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी मदद करते हो और मैं अनके भाई के सामने, तो मैं तुम्हें अपना आयरन, अरे सॉरी, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें बहुत सारा सामान भी दूंगा। तो ये यही था इस वीडियो के लिए। और हाँ, ये स्किन आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरी चेंज हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों, मैंने जब से जावा एडिशन स्टार्ट किया है लेकिन ये सब चेंजेस हो ही गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये स्किन भी बहुत ख़राब नहीं है, अच्छी है, लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगती है कि नहीं वो कमेंट में बता देना यार। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।